फिर वो और उसको लेता रहा, फिर उसने उस लड़की की मौसी को बुलाया, चूंकि वो हम उम्र थी, उसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। अब ऐसा ऐसा कल ही हुआ है हॉस्पिटल, हाँ, लेकिन क्या हुई, अमित खरे नहीं, अमित खरे है भाजपा नेता, उसका हॉस्पिटल पुलिस को जानकारी नहीं थी। जब हम लोगों को पता लगा, हम लोग पहुंचे वहाँ, फिर हम लोगों ने लोकल जो थाना था बाजू में उसको जानकारी दी, करवा रहा हूँ, हम हाथ जोड़ते रहे कि भैया 2 मिनट आप सिर्फ इतना बोलो FIR तो लिखी जाए, चूँकि उसी क्षेत्र के विधायक हैं। तो हमने उनको पहले फ़ोन किया, फिर सौरभ भाई पहुंच गया, मेरे भैया पहुंच गया, इनसे बात हुई, फिर जाके उसने 308 का मामला दर्ज किया, 307 का मामला दर्ज किया। फिर बाद में हमारी बेटी 26 तारीख को सर दुनिया को लेकर जाती है राज साहब, उसने मजिस्ट्रेट बयान भी दिए बच्ची ने अपनी मृत्यु के 2 दिन पहले कि मेरे को उसने गोली मारी, एक लड़की को गोली मारता और उस लड़की को 6-7 घंटे तक उसी हालात में एक जगह से दूसरी जगह और अस्पताल ले जाता है और उस अस्पताल में उसके कपड़े बदले जाते हैं और कपड़े बदलकर पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है। फिर दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं और अपराधी उसे घुमाता रहता है। पुलिस पूरे समय अपराधी को बचाने में लगी। मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से, वैसे तो मैं मूल रूप से इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हूं, लेकिन यदि बुलडोजर संस्कृति का वो अपनाते हुए श्रेय देते हैं तो फिर भेदभाव क्यों, भेदभाव नहीं करना चाहिए और तत्काल अपराधी के अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराना चाहिए, मेरी मांग है।